आज हम अपने नगर परिषद की समस्याओं के लिए डीसी साहब के पास आए। एक तो हमारे हाउस की मीटिंग हुई, बहुत टाइम हो गया, 4 महीने हो गए, जिसके कारण जो एजेंडे हमने देने थे पहले भी दिए, उन पर काम नहीं हुआ। अब जो एजेंडे बाकी रह गए थे, हम देना चाहते हैं कि हाउस में रखे और वो काम हो। सर, हमारी हाउस की मीटिंग को हुए 4 महीने हो गए। इससे पहले जो लास्ट मीटिंग भी हुई, वो उसमें भी हमारी कोई समस्याओं का हल नहीं हुआ। सर, मेरा नाम रंजना भारद्वाज है, वार्ड नंबर 16 है सर मेरा। क्या समस्या है? सर, हमारी हाउस की मीटिंग को हुए 4 महीने हो गए। इससे पहले जो लास्ट मीटिंग भी हुई, वो उसमें भी हमारी कोई समस्याओं का हल नहीं हुआ, ना हमारे से कोई एजेंडे लिए गए। उसमें सिर्फ इलेक्शन हुआ और उसके बाद दैट्स ऑल, उन्होंने अपने बजट पास करा लिया, हमसे कोई हमारी प्रॉब्लम का लिया ही नहीं, ना हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सर, अब कारण पता नहीं क्या है, हमें तो नहीं पता ना, ये तो उनको सोचना चाहिए ना, हर महीने मीटिंग लेनी चाहिए ना हमारी, एक ना तो खुद लेने, अब ना DMC सर को भी सोचना चाहिए। 4 महीने हो गए, हमारी मीटिंग नहीं हुई है अब तक, अपनी प्रॉब्लम हम कहाँ किसको जाके बोले। इसीलिए हम दुखी होकर आज DC सर के पास आए हैं कि आप हमारी मीटिंग कराओ और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कराओ। उन्होंने बहुत आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द, अभी हमारी थर्सडे को शायद मीटिंग रखेंगे DC सर। मेरा नाम लोकेश यादव है, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 5 से। सर, आज क्या समस्या लेकर आप मिले हैं? आज हम अपने नगर परिषद की समस्याओं के लिए DC साहब के पास आए। एक तो हमारे हाउस की मीटिंग हुई, बहुत टाइम हो गया, 4 महीने हो गए, जिसके कारण जो एजेंडे हमने देने थे पहले भी दिए, उन पर काम नहीं हुआ। अब जो एजेंडे बाकी रह गए थे, हम देना चाहते हैं कि हाउस में रखे और वो काम हो। तो हम DC साहब के पास आए कि हमारे मीटिंग करवाई जाए, जिससे हम अपने एजेंडे दें और हमारे काम हो, जो पहले दे रखे हैं वो भी काम हो। मेरा नाम दिलीप माटा है, वार्ड नंबर 11 से पार्षद हूँ और सबसे सीनियर हूँ। माटा साहब, आज DC साहब से मिले, क्या रहा आज? हम, ये तो आपको भी पता है, सारे शहर को मालूम है हम यहाँ किस लिए आए हैं। एक तो हाउस की मीटिंग, नंबर 2 जो पिछली मीटिंग हुई उनके अंदर भी काम कुछ नहीं हुआ, नंबर 3 जो शहर का बुरा हाल है, बुरा हाल हो गया, ये क्या तो विकास होगा? जो नगर परिषद के बाहर ही इतना पानी जोड़ जो बना हुआ है, जिसका हिसाब ही नहीं है, नंबर 2। अब मैं जो बात बताना चाहता हूँ, गोकल गेट के पास ही मोहल्ला तेजपुरा मेरा मकान है और नज़दीक पुलिस चौकी है, और सबसे बड़ा अच्छा एरिया कनाट प्लेस जो रेवाड़ी शहर का है, उसी के अंदर में जहाँ मैं रहता हूँ, जरा 5 मिनट भी बरसात होती है तो क्यों, नालों की सफाई हुई नहीं है। नालों की सफाई ना होने से वो पानी सारी मेरी गली के अंदर आ जाता है। जब मेरी गली के अंदर पानी आता है, जो मेरी खुद के घर की बिल्डिंग है उसके अंदर पानी घुस जाता है, सारा बाजार का कीचड़ वीचड़ लैटरिंग वैटरिंग सब अंदर। एक बार जब अंदर आ जाती है, वो पानी जल्दी से सूखता नहीं है और इतनी बदबू हो जाती है घर के अंदर, इसका हिसाब नहीं। इस नगर परिषद के लिए क्या कहना चाहिए? नगर परिषद को मैंने इस चीज़ के बारे में 7-8 बार कहा, अभी करवाते हैं नाला सफाई कराते हैं। अरे जब तुम नाला सफाई नहीं कराओगे, आप नाला जो नया बना रहे हो, अरे जो नाला पहले बना उसकी सफाई तो करा दो, पानी तो निकल जाए। उस पानी के भरने से सारा शहर का बुरा हाल कर गया। अब गोकल गेट के पास मेरा मकान, इतना बुरा हाल है, आपको पता है। DC साहब ने क्या कहा? DC साहब को यही वो सारी बातें की हैं। DC साहब ने कहा, अभी हमारी 12:30 बजे मीटिंग है, तो मैंने जनाब को ये कहा उस मीटिंग के अंदर, जनाब मेरे को एक गरीब आदमी का अंदर भाड़ लो। लेकिन वो कहा, नहीं नहीं भाई, हमारी अपनी मीटिंग है। लेकिन वैसे मैंने उनको बता दिया कि मेरा ये हालात हैं, बुरे हालात हैं, नाले की सफाई नहीं हुई मेन तो, और बाकी शहर का बुरा हाल। वो आज किसी भाइयों की मजबूरी होती है। आपको मैं अपना जो हमने जो ज्ञापन आज DC साहब को पेश करा है, उस पर 23 से 24 पार्षदों के साइन है। और मैं आप मीडिया के माध्यम से ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि वो भाई होगी किस वजह से रहेंगे, परंतु रेवाड़ी की जनता बहुत परेशान हो चुकी है और कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है कि रेवाड़ी की पब्लिक की आवाज़, जनता की आवाज़ उठाएँ मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमारी आवाज़ जब ही सुनी जाएगी जब हम आपके माध्यम से आवाज़ उठाएंगे। DMC और जो है चेयरपर्सन क्या कर रहे हैं?
देखो मैंने आपको बताया चेयरपर्सन से तो कहते कहते हम थक लिए, आज गर्मी के दिन है, स्लम बस्ती हैं, आप बताइए ना तो हेडपम्प रिपेयर का टेंडर, ना नए हेडपम्प का टेंडर, तो नगर परिषद क्या कर रही है आप बताइए। व्यापारी नाले नहीं चाह रहे, नाले बनवाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसकी मनमानी चल रही है, और आज बाजार का आप हाल देखिए। एक व्यापारी अगर कहते कि हमको बहुत सुविधा हुई आज बाजार जी। एक हिप्पा की बैठक होने जा रही है गुड़गांव में, उसके बारे में क्या है? देखो हिप्पा की बैठक के बारे में मैं और अभी सभी पार्षदगणों से पूछना, हिप्पा की बैठक का मेल आता है वो चेयरपर्सन के में जो भी आईडी उनकी चलाता है, नगर परिषद की जो भी चलाता है उनके पास आता है। उन्होंने हम सब पार्षदों से वो छुपाने का काम करा, और वाइस चेयरमैन पर्सन जो वाइस चेयरमैन है हमारे श्याम चुग जी, वो चोरी चोरी चुपके चुपके एक दो दिन पहले अपने अपने पार्षदों से पूछने का काम कर रहे थे कि कौन कौन जाएगा, परंतु वो लेटर हमें कहीं ना कहीं से हाथ लगा और हमने उसको ग्रुप में डालने का उजागर करने का काम करा। उसको लेटर को देखकर पार्षदों में रोष पैदा हुआ, तुरंत जब 10 रात को 10 बजे श्याम चुग जी ने वो लेटर डाला। तो इस तरीके की एक तो काम ना करना और उस तरीके की पार्षदों के साथ भेदभाव करना, मैं कहीं ना कहीं फाइनेंस कमेटी का मेंबर मेरे पार्षद भाई और बहनों ने चुन के भेजा है, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, और चाहे इनके लिए लड़ाई लड़नी पड़े चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।